तो आज हमारा ये अगला वीडियो है साइक्लोट्रॉन। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। नीचे रेड कलर में मोबाइल नंबर दिया होता है, वहां से भी आप अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं फोन करके या व्हाट्सएप के द्वारा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को ईओ लॉरेंस एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1932 में डिजाइन किया। साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हीलियम जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। इसके थ्रू हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की एनर्जी लगभग 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इंक्रीज कर सकते हैं, और जब इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की एनर्जी सफिशियंट हो जाती है तो हम इसका यूज किसी भी न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, मतलब न्यूक्लियस को दो भाग में तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हैं, तब जब ये अल्टरनेटिंग करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है तब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होता है, और जब ये निगेटिव हाफ साइकिल में होता है तो ये इसकी स्पीड कम होती है। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में एक सर्कुलर मोशन करता है। यह मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पाथ के परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है दोस्तों कि साइक्लोट्रॉन एक सिलेंड्रिकल कैविटी से मिलकर बना होता है। इसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं जिसको हम डीज कहते हैं। इस डीज को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये दोनों डीज इंसुलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, मतलब उनका आपस में कोई एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ऐसे मटेरियल से दोनों ज्वाइंट होते हैं। जब हम पॉजिटिव आयन को सोर्स एस से दोनों डी के बीच में सेंटर में जो पॉजिटिव आयन का सोर्स रखा होता है, जब वहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इमिट होता है और ये डी के अंदर प्रवेश करता है, इंटर करता है, तब ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलर मोशन करने लगता है। दोस्तों इसका जो डायग्राम है आगे दिखाया गया है। इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर लगभग 10^4 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं दोनों डी के बीच में। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सोर्स से इमिट होता है और ये जब दोनों डी के बीच में, जिसको हम गैप कहते हैं, जब ये गैप में पहुंचता है तो ये एक्सीलरेट होता है, और जब निगेटिव हाफ साइकिल वर्क करता है तो चूंकि ये डी एक्सीलरेट होता है, इसलिए हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि जब निगेटिव हाफ साइकिल हो तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डी के अंदर इंटर कर जाए। चूंकि हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, चूंकि डी जो है एक कंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है और हालो होता है, इसलिए जब चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डी के अंदर जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब उसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि जब वो डी के अंदर रहे
तो निगेटिव हाफ साइकिल हो, क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को डीएक्सिलरेट करता है। और हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के थ्रू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डीएक्सिलरेशन ना हो पाए। इसलिए जब निगेटिव हाफ साइकिल रहता है तो इसको हम डी के अंदर कर देते हैं, और जब फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता आता है तो यह फिर से गैप के बीच में होता है। तो इस तरह से इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। इसमें एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं जिसके प्रभाव से यह सर्कुलर मोशन करता है। दोस्तों इसमें यह बहुत सारा राउंड लगाता है, और जब इसकी सफिशियंट एनर्जी हो जाती है तब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और किसी भी न्यूक्लियस को हम डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रत्येक डी में ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है सेमी सर्कल पाथ को फॉलो करता है। दोस्तों इसमें अल्टरनेटिंग करंट को इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब ये दोनों डी के बीच में हो तो पॉजिटिव हाफ साइकिल वर्क करे, और जब ये डी के अंदर हो तो निगेटिव हाफ साइकिल वर्क करे, जिससे इसकी स्पीड कम ना हो। तो दोस्तों ये हो गया इसकी वर्किंग। इसमें इस तरह से अरेंज होता है कि एक बार डी1 पॉजिटिव होता है, एक बार डी2 पॉजिटिव होता है, मतलब एक बार डी1 पॉजिटिव होगा तो डी2 निगेटिव होगा, फिर डी1 निगेटिव होगा तो डी2 पॉजिटिव होगा। इस तरह से इसमें सर्कुलर मोशन होता है। इस तरह से इसका अरेंज करते हैं कि एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, एक बार निगेटिव हाफ साइकिल हो। और चूंकि इसमें ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाती है और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी तो इसका रेडियस भी बढ़ेगा। इस तरह से ये हर राउंड में इसका रेडियस बढ़ता जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि यदि मुझे बहुत अधिक एनर्जी चाहिए तो हमें हाई रेडियस का डी यूज करना पड़ता है। इसमें जो आयन का पाथ होता है वो स्पाइरल होता है और इसकी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। तो दोस्तों ये हो गया इसका वर्किंग। अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, इसका डेरिवेशन। तो हम मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसका मास m है, चार्ज q है और वेलोसिटी v है, और ये सर्कुलर मोशन करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वह फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए आवश्यक है, इसको हिंदी में अविकेंद्री बल कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। दोस्तों ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स और ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे जिस रेडियस पे वो मूव करता है। अब हम देखते हैं यहां के एम मास चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इससे प्रूफ होता है कि आर प्रोपोर्शनल भी, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का रेडियस भी बढ़ता जाएगा। अब इसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका टाइम पीरियड और जो डी में प्रोटॉन का मूव कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, उसका टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड और जो प्रोटॉन डी में मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए। क्योंकि हम हाफ टाइम के लिए लेते हैं, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हाफ टाइम के लिए वो डी के अंदर होता है और हाफ टाइम के लिए गैप में होता है, इसलिए टी अपॉन टू हो जाएगा यहां पर। चूंकि डी का साइज सेमी सर्कल होता है तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा पाई आर और अपान हो जाएगा भी। तो यहां से टी इक्वल टू हो जाएगा टू पाई आर अपान भी। भी की जो वैल्यू है यहां से हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा टू पाई एम अपान क्यू भी। आर की वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट किया है। और टी टाइम का जो इन्वर्स होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों टी की वैल्यू का अपोजिट होगा, टी हो जाएगा क्यूबी अपॉन टू पाई एम। एफ इक्वल टू क्यूबी अपॉन टू पाई एम को हम रेजोनेंस कंडीशन या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये
इसका मतलब ये है, ये एफ क्या है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है, और क्यूबी अपॉन टू पाई एम ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है। एक्चुअल में एफ इक्वल टू क्यूबी अपॉन टू पाई एम होता नहीं है, बल्कि साइक्लोट्रॉन के लिए एफ इक्वल टू क्यूबी अपॉन टू पाई एम होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू क्यूबी अपॉन टू पाई एम के इक्वल नहीं है तो साइक्लोट्रॉन का प्रोसेस नहीं होगा, इसीलिए इसको साइक्लोट्रॉन कंडीशन कहते हैं। अब हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की एनर्जी देखेंगे। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी काउंट करेंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ली जाएगी। यहां से वी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट जो कि हमने ऊपर देखा, तो वी मैक्स इक्वल टू वहां से था क्यूबी आर अपॉन एम। इक्वेशन फर्स्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से भी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट है, यहां से हम भी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। तो यहां पे हम वी मैक्स की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू एम। ये कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर डी का रेडियस है, और स्मॉल आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस सर्कल को पाथ करता है, फॉलो करता है, उस सर्कल की रेडियस है। अब जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होगी जबकि रेडियस मैक्सिमम हो, और रेडियस मैक्सिमम जब होगा तो पाथ की रेडियस और डी का रेडियस इक्वल होगा। तो यहां से स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि यहां पे हम देखते हैं कि बी की वैल्यू आर की वैल्यू और टू कॉन्स्टेंट है, जब कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो यहां से हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल क्यू स्क्वायर अपॉन एम। तो ये हो गया मैक्सिमम एनर्जी और ये हो गया चार्ज अपॉन मास का रेशियो एनर्जी से रिलेटेड। तो इस तरह हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी है वो चार्ज के स्क्वायर का और उसके मास के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन एम के प्रोपोर्शनल होता है। अब दोस्तों इसमें एक नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फाइनल एनर्जी है वो अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब इसमें हम कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमने एनर्जी का फार्मूला अभी अभी देखा जिसकी वैल्यू होती है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम। तो जो फाइनल एनर्जी है साइक्लोट्रॉन से जो लाइट है, जो पार्टिकल लिमिट होता है, उसकी वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती। दोस्तों ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि यहाँ जो एनर्जी की वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। साइक्लोट्रॉन में हम साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सीलरेट द पार्टिकल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। साइक्लोट्रॉन से लाइट की वेलोसिटी के बराबर अगर कोई पार्टिकल की स्पीड है तो ऐसे पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं कर सकता, मतलब हम साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है और मास कम होने से इसकी स्पीड बहुत जल्दी लाइट मैक्सिमम हो जाएगी जो कि लाइट के वेलोसिटी के इक्विवेलेंट मानी जा सकती है। तो इस तरह से हम इसमें इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं कर सकते। इसमें रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला का भी एक रीजन है, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये रिलेटिविस्टिक मास है दोस्तों। तो ये हो गया इसका आपका लिमिटेशंस, आप देख सकते हैं इसमें एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ आयन। जैसे आयन की वेलोसिटी बढ़ती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाती है, क्योंकि m मास बढ़ेगा वेलोसिटी के साथ। फिर लिखा इसमें वेलोसिटी ऑफ आयन बिकॉज m इंक्रीजेस विद वेलोसिटी, पार्टिकल की जो ऑर्बिट है विल नॉट बी इन फेज With oscillating potential and further accelerating is not produced. इसमें जो alternating current की frequency है और particle की frequency अगर दोनों match नहीं करेगा तो इसमें acceleration possible नहीं होगा। दोस्तों ये इसका diagram आप यहां से देख सकते हैं, ये आपका D1 है, ये D2 है, यहां से potential difference apply करते हैं high frequency range का, और यहां से ये सोर्स ऑफ आयन है, यहां से चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, ये D1 और D2 के बीच का ये गैप है, जब चार्ज पार्टिकल गैप में होता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है क्योंकि तब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है, इस तरह से उसको मैनेज करते हैं, निगेटिव हाफ साइकिल में उसको हम D के अंदर कर देते हैं। और इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, जब सफिशियंट रेडियस होगा तो यहाँ पे हम डिफ्लेक्टेड प्लेट मैग्नेट का यूज करते हैं और यहां से टारगेट से उसको हम इंट्रैक्ट करवा देते हैं। दोस्तों यह इसका हो गया लेटरल व्यू और यह है टॉप व्यू। यहां से D1 और D2 है, यहां पे मैग्नेट पोल रखा जाता है जो कि मैग्नेटिक
फील्ड के कारण ये सर्कुलर मोशन करता है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये साइक्लोट्रॉन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे ये चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, कमेंट करें कोई प्रॉब्लम हो। थैंक यू।